रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सा मिलाइंड है या कची मिसरी जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लास नगर मनपा के 2022 में चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए इन दिनों शहर में जमकर राजनीति हो रही है। पिछले दिनों पप्पू कालानी और कुमार एलानी का साथ में फोटो सामने आने के बाद शहर में चर्चा शुरू हो गई कि पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा के समय तक एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी एक साथ कैसे। अभी यह चल ही रहा था कि अचानक से कल पप्पू कालानी शहर के आमदार कुमार एलानी जी के जनसंपर्क कार्यालय पहुँच जाते हैं और विषय होता है शहर के शासकीय सेंट्रल हॉस्पिटल में थैलेसीमिया के बच्चों को होने वाली परेशानियों को दूर करना, जहां सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के पेरेंट भी इस बैठक में शामिल होते हैं। यहां देखने वाली बात यह हुई कि इसी बैठक के दौरान पप्पू कालानी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन कर सेंट्रल हॉस्पिटल के विषय को लेकर उनसे मुलाकात का समय मांगा। अच्छा, मुझे एक मीटिंग चाहिए थी सर, तो यहाँ के कुछ सेंट्रल हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके पहले मैं पेपर्स आपके पास भेज रहा हूँ, उसके ऊपर एक मीटिंग मुझे लगती थी, तो कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, ये नंबर पे फ़ोन करिए या आमदार के नंबर पे फ़ोन। हाँ, नेक्स्ट वीक कब आने वाले थे? मंगल को। चल, आई एक्सपेक्ट के वेनेसडे और थर्सडे को मीटिंग होगी। हाँ, ठीक है, थैंक्स सर, थैंक्स थैंक्स। अब इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि पप्पू कालानी जी क्या आमदार को यह बताना चाहते थे कि काम कैसे होता है? आमदार कार्यालय में हुई यह बैठक क्या सोची समझी कोई राजनीतिक चाल है या कुछ और? अगर कुछ और, तो आखिर पप्पू कालानी जी की आमदार कुमार एलानी जी के जनसंपर्क कार्यालय की बैठक से शहरवासियों को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।